हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हूँ मैं मनी महेश की यात्रा पे, जो कि पंच कैलाश की प्रथम कैलाश यात्रा है और इसको बहुत ही पावन माना जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे रात को जो कैलाश पर्वत है वहाँ पे मनी चमकती है। तो मैं आई हूँ इस यात्रा पे सितंबर 2023 में। और इस यात्रा पे कैसे आना है, कहाँ पे बेस विलेज है, तो ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और भी ज़्यादा ट्रैवल इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगर नहीं सब्सक्राइब हुआ है तो। और गए, चलिए शुरुआत करते हैं मनी महेश यात्रा की। ये दिल्ली सराय रोहिला स्टेशन, अभी सामान रखा था यहाँ पर मैंने, खाना खाने बाहर गई थी। तो गाइस, जो बेस विलेज है आपका यात्रा का, वो है हदसर, जो कि हिमाचल के चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ये सबसे नज़दीक है पठानकोट के। और अगर आपका कोई भी रेल से कनेक्टिविटी है पठानकोट का, तो आप डायरेक्टली आ सकते हो, या फिर बाय एयर भी आ सकते हो, या तो आप फिर दिल्ली से पठानकोट की ट्रेन ले सकते हो, पठानकोट कैंट या फिर पठानकोट जंक्शन की। और ये जो रेलवे स्टेशन से दूरी है वो 5 मिनट बाई ऑटो है और 15 मिनट बाई वॉकिंग है। और यहाँ से आपको HRTC की या फिर पंजाब रोडवेज की बसें मिल जाएंगी चंबा के लिए, और वहाँ से आप हदसर जा सकते हो। ये भारमौर, यहाँ से 2 मिनट है भारमौर ओल्ड बस स्टेशन, और 84 कुटिया मंदिर भी 2 मिनट 5 मिनट है यहाँ से। रूम लिया था मैंने होम स्टे में 500 का, बड़ा ही रीजनेबल, मुश्किल से मिल रहा था। रूम के बाहर का व्यू, ये भारमौर का टैक्सी स्टैंड, यहाँ से मिल जाएगी हदसर के लिए छोटी गाड़ियाँ। बस भी है, बट बस थोड़ी लिमिट पे है। गाड़ियाँ जैसे सवारी भरेगी वैसे जाएंगी, 100 रुपये सीट ले रहे हैं। और ये है हदसर बेस विलेज। यहाँ पे आपको लंगर की व्यवस्था मिल जाएगी, और आपको पूरे पठानकोट से लेके पूरे यात्रा तक लंगर की जगह जगह व्यवस्था मिल जाएगी। यहाँ तक पूरा रोड था बना हुआ, और अभी यहाँ से प्रॉपर जो चढ़ाई है वो स्टार्ट हो जाएगी, चढ़ाई यहाँ से, और रोड ख़त्म हो जाएगा। घोड़े भी मिल रहे हैं आगे जाने के लिए, नीचे से ही ऑफिशियल रेट है इनका। ट्रैक के रास्ते ऐसे बने हुए हैं, बारिश नहीं है तो बढ़िया है। और अभी जो यात्रा है वो 1 से 30 सितंबर तक कर दी गई है। यात्रा पे जाने से पहले अगर आपने पंजीकरण नहीं कराया है तो ये लास्ट सेंटर है, यहाँ पे आप अपना 20 रुपये दे के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, कंपलसरी है। और बस आपका आधार कार्ड लगेगा। ये इस साल बारिश में कितना खतरनाक लैंडस्लाइड हुआ, इसी साल का है, ये सब देख सकते हैं आप। ये सितंबर में ओपन हुआ है, इस साल मानसून में बहुत ही ख़राब हो गया रास्ता। धूप बहुत ज़्यादा हो रखी है, चढ़ाई है अच्छी खासी, 3 किलोमीटर तक हो गया है तकरीबन। और ये कंटिन्यू चढ़ाई है, शुक्र है अभी थोड़ा थोड़ा ऐसा पेड़ है जंगल जैसा। 2 किलोमीटर तक तो बहुत ज़्यादा धूप था, हालत ख़राब हो जा रही थी, अभी ठीक है, छाँव है थोड़ा। बारिश हो गई तो बहुत स्लिपरी हो जाएगा, एकदम कच्चा रोड है। रेलिंग्स टूट चुकी है, कंटिन्यू चढ़ाई है बोल रहे हैं, गौरीकुंड तक 14 किलोमीटर, अभी 4 से 5 किलोमीटर तक हुआ रहेगा।
देखते आगे चल के क्या सीन है। एक एक्सीडेंट हो गया और एक घोड़ा नीचे भी चला गया, आदमी बच गया कैसे भी। नीचे से आप रास्ता देख रहे हैं, ये पिछले साल तक इसी रास्ते से आते थे, ये थोड़ा इजी था इधर से जो है पूरा। और ये साल जो है ये रास्ते सारे हैं लैंडस्लाइड की वजह से पूरा बंद हो गया था। अभी जो रास्ते से जा रहे हैं ये थोड़ा चढ़ाई है अच्छा खासा। ये ब्रिज टूट गया था ये साल बारिश में, अभी टेम्प्रोरी लकड़ी का बनाया गया और ये ब्रिज का काम चालू है। आठ किलोमीटर के रेंज में ये दूसरा भंडारा है, यहाँ पे वॉशरूम भी है। खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं बट भंडारा कमी है, चार पाँच किलोमीटर देखिए। दाल चावल ये धनचो है, धनचो में पाँच छः स्टे के लिए ऐसा है बनाया गया है। आते टाइम अगर सेम डे में आप रिटर्न हो रहे हो या फिर लेट से आ रहे हो तो इधर 100 रुपीज पर पर्सन का स्टे है। धनचो में अच्छा स्टे मिल जाएगा आपको। धनचो के बाद पूरा लंगर ही लंगर है हर 5 मिनट पे। धनचो के पहले नहीं था। ये तो रास्ता हो रखा है, पूरा 18 से 20 किलोमीटर का ट्रैक है ये, 14 किलोमीटर नहीं 14 मील है। और ऊपर से रास्ता भी बंद हो गया पहले वाला, तो ओवरऑल 18 से 20 किलोमीटर का ट्रैक है, पूरा एकदम से चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई। भाई बोल रहे हैं पूरा गौरीकुंड तक इससे भी ज़्यादा टफ हो जाएगा। बहुत भयंकर चढ़ाई है सच में, रास्ता तो दिख ही नहीं रहा होगा, बस यही है चढ़ते जाओ इसे रास्ते में। सामने वाले माउंटेन पे आ गए हैं, होप सो चढ़ाई थोड़ी ठीक ठाक हो, है चढ़ाई पर थोड़ी ठीक ठाक हो। इधर पूरे फ्लावर्स हैं, काफ़ी खूबसूरत व्यू है। पिछले 2-3 घंटे से यही बोल रहे हैं, 8 किलोमीटर है गौरीकुंड, पता नहीं कितना चली हूँ मैं, 18-20 किलोमीटर तो है ही।
यार 12-13 किलोमीटर तो चल ही लिया है, देखते हैं। ऑलमोस्ट 7 बजने आ गया है तो देखते हैं कितना हो पाएगा आज। लेट कर दिया मॉर्निंग में, 7 बजे निकल जाना चाहिए था। मुझे लगा कि 14 किलोमीटर है टोटल, तो 12 किलोमीटर ही गौरीकुंड होगा। 10 बजे तो स्टार्ट किया था ट्रिप मैंने, अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट किया होता 6-7 बजे तो अभी तक पहुंच जाती मैं भी। हालत ख़राब हो गई आने में, ऑलमोस्ट 10 आवर्स लग गए मुझे, शायद 14 किलोमीटर तक कवर किया मैंने। अभी यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर है गौरीकुंड, तो गौरीकुंड नहीं पहुँच पाई मैं। बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे ऐसे ही है, पार्टीशन करके बनाया इन लोगों ने कपड़े का रुकने। फोन चल रहा है आपका? हाँ नहीं, ऐसे ही वीडियो बना रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये ऐसे उनके लिए इन्होंने गद्दे कंबल रखे हुए, तो सिंगल पर्सन के लिए मुझे दे दिया है। अदरवाइज 2-3 लोगों के लिए है, बट मैं अकेले थी, इन्होंने गद्दे रखे थे, छोटा सा था तो दे दिया। और इसका चार्ज ले रहे लोग 150 रुपये। तो फिर अभी सुबह 6 बजे उठ के चलना है, स्टार्ट करेंगे। गुड नाइट। बहुत हालत ख़राब हो गई, 15 किलोमीटर पूरी खड़ी चढ़ाई, 14-15 किलोमीटर। तो गुड नाइट, सुबह मिलते हैं।